हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और गाइस, अभी हो गया है क्या ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम? तो बस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। होरेन यहाँ पे वापस से सो गई है, ये अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं, तो छोटी वाली नेप फिर से ले रही है होरेन। और गाइस, यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बन गई है। तो मम्मी बैठी है यहाँ, और अब मैं रख देती हूँ एग, इनको रखते हैं, फिर देखते हैं कि हम क्या करते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ मैं पोछा लगाने का सोच रही हूँ, पोछा और लगाते हैं। और मूँगफली रखी हुई है यहाँ पे, तो सोच रहे हैं कुछ मूंगफलियाँ भून के रख देते हैं, कुछ छील के रख लेते हैं, ताकि मूंगफली का जो पट्टी आती है वो बन जाएगी, गुड़ वाली पट्टी होती है ना, वो तो वो बनाने का सोच रहे हैं। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, इसको रख देते हैं पहले। तो गाइस, यहाँ पर अंडे सारे धो दिए हैं, और मैं धोती इसलिए हूँ क्योंकि इस पे लगी आती है पॉटी वगैरह, तो इसलिए धोना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है स्वीट पोटैटो बॉईल करने के लिए, सो ये यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, पोछा लगाती हूँ। तो गाइस, पोछा लग गया है बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, ये पोर्शन दोनों ही पोर्शन एकदम क्लीन हो चुके हैं। और अब हम लोग कर रहे हैं ये, तो इन पेटियों को खाली किया है पहले, और अब ये पेटी रखने जा रहे हैं उधर, चीनी के नीचे स्पेस आएगा काफ़ी सारा, तो वहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले रखी थी, ये अच्छी नहीं लग रही थी तो सेट नहीं कर पाए थे, तो यहाँ से इतना सारा सामान मैंने निकाला है इस पेटियों में से, और अब लगाते हैं आगे। तो बस यहाँ पे मम्मी भी लगी हुई है हमेशा की तरह, मम्मी मेरी हेल्प करते हुए। तो बस अभी इनको सेट करते हैं, सामान लगाते हैं इसके अंदर ये, तो इसको यहाँ लगा दिया है गमले के साथ, और इसको यहाँ लगा दिया है गमले के साथ। ये वाला पॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उस टाइम पे तो अंकल ने सही प्राइस नहीं लगाया था, तो हम लोग आ गए थे, फिर रात भी हो रही थी, फिर नेक्स्ट डे मैंने जैकी भाई को भेजा है इस वाले गमले के लिए स्पेशली, कि ये वाला गमला मुझे चाहिए, तो ये वही वाला गमला उठा के लेकर आए, तो यहाँ पे ये वाला हमने लगा दिया है। कैसा लग रहा है बताना? और जो पेटियाँ थी वो हमने लगा दी हैं इधर, ये लगी है, तो पेटियाँ भी लगा दी हैं, और बस सभी काम हो गया है साफ सफाई वाला। सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने जेठाने के घर, और रेन भी जा रही है, तो ये भी मैंने रेडी कर दी है, और बस अभी मैं चाय पीती हूँ फटाफट से, फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। वो चाय पी लेती, क्योंकि जो खाम बहुत तेज़ हो रहा है, चाय पी के थोड़ा सा अच्छा लगता है। पी है क्या कर रही हो? जी क्या, अच्छा लाइट है ये? अरे वो कह रहा बेटी थी ना, बेटी आप लोग नहीं काम पूछ रहे थे क्या? हाँ,
सिक्के वाला टिकी रोड से निकलेंगे मोदी जी। और ये देखो मेला हमारे यहाँ का जो कि बंद पड़ा है। कल हम आए थे यहाँ पे लेकिन बंद मिला था, दो दुकानें खुली हुई थी बस। हम यहाँ पे आए थे, यहाँ से मोदी जी आएंगे। हर जगह पुलिस फोर्स आप लोगों को दिखाई देगा इस रोड पर ही। और हम लोग कहाँ के लिए निकल रहे हैं भाई? क्या जी, हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं? ग्वालियर। तो गाइस हम जा रहे हैं ग्वालियर, बताऊंगी आगे। चलो, सारा सब कुछ व्यवस्था की गई है, जहाँ भी आएंगे तो ऐसा है। यहाँ पे अंदर लोग की ड्यूटी कर चुके हैं। स्कूटी से पहला सफर है हमारा, तो चलो चलते हैं, इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा क्या रहता है। तो ये रहे ये और ये रही मैं। पहली बार पहला एक्सपीरियंस स्कूटी से। वैसे काफी सारे लोग जाते हुए देखे तो है कि बाइक से सफर कर लेते हैं लंबा लंबा, लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं भाई। पहुंच गए हम ग्वालियर और आधे रास्ते उन्होंने चलाई, फिर आधे रास्ते मैंने चलाई है स्कूटी। तो बस अभी ग्वालियर पहुंच गए, फिर इनकी शॉपिंग कराते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे। तो जी हाँ, हम ग्वालियर किस लिए आए हैं? हम आए हैं ग्वालियर शॉपिंग करने के लिए। क्या हुआ? तो देखो हम कहाँ सामने खड़े, गिव एंड टेक के सामने खड़े, उनको समझ में नहीं आ रहा भी हम कहाँ जाए। अच्छा लगा आपको? हाँ, तो कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल बहुत है वो, इसलिए अच्छा लग रहा था। शॉपिंग करते करते लगाई है भूख, तो अब पेट पूजा भी करनी जाती है क्या। पनीर मसाला डोसा मंगाया है, अभी इसको खाते हैं फिर निकलेंगे बाड़े के लिए। ठीक है, तो यहाँ का सांभर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। चलो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से। तो गाइज इनके कपड़े तो हो गए डन, और सांभर और डोसा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो अब हम निकले हैं होरेन के लिए कपड़े देखने के लिए। वहाँ भी हम आए हैं बाड़े, तो यहाँ से हम होरेन के कपड़े देखेंगे और मैं अपने लिए भी देखूँगी यहाँ से, अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो। लेकिन वैसे इतना ज़्यादा हो रहा था ना, दिवाली के टाइम चल रहा है अभी इस टाइम पर, तो क्या है ना लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है एकदम से, क्योंकि इस टाइम पे जो है बहुत अच्छा अच्छा सा सामान मिलता है मार्केट में। और ये दुकान तो मुझे ऐसी लग रही थी कि मैं सारी ही दुकान उठा लूँ। तो होरेन के कपड़े ले लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े देखने के लिए, और देखते हैं वहाँ पे मुझे कुछ समझ में आता है या नहीं। लूँगी कोठारी में तो रात हो गई, पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की। और अभी हम चलते हैं घर। तो गए शॉपिंग करते करते तो बड़े थक गए आज। और निकले थे 1 घंटा पहले, ट्रैफिक में फंस गए थे, फिर कुछ और इवेंट की वजह से फिर रुके, तो इस तरह से पूरा 1 घंटा चला गया। और बस अभी 10 किलोमीटर और रह गया है मुरैना से, फिर बस पहुँचते हैं। सबसे पहले चाय पी लेते हैं यहाँ पे, ये बना रहे हैं चाय।
क्योंकि सर भी दर्द हो रहा है और ना बैठे बैठे बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द भी लग रहा है। घर पहुँचते पहुँचते क्या ही होगा, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा हम लोग का, पर चाय भी पी लेंगे। तो गाइस चाय हमारी आ गई है, तो चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब हम आ गए हैं मुरैना और यहाँ से लेते हैं हम गजक, गोपी गजक से। यहाँ की गजक बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, जो मुरैना से उन लोग को अच्छे से पता होगा। भाई मार मत दियो पीछे। हो गया फ्रॉक सूट कुछ है ही नहीं है सही में, कुछ नया नहीं है। अब जी कैरी डिजाइन कर आबत राम भी तो गए थे, आबत राम नहीं तो था वो लास्ट में, सबसे लास्ट में। गिव एंड टेक आबत राम चावला सब फ्रॉक सूट रखे हैं, फिर मिल रहे 10-15 हज़ार के। अब वो तो क्या करेंगे। तो गाइस ये है हमारी शॉपिंग, इतनी सारी शॉपिंग हुई है तो बस आ गए हैं हम लोग घर पे। और ये बॉल लेकर गए थे यहीं से, और क्या लेकर आए थे हुरैन, और ये देखो हुरैन की डॉल बुदनी डॉल है बुदनी। पहले जब हम लोग छोटे छोटे से थे ना तो इन्हीं डॉलों से खेलते थे, ये मिट्टी की डॉल है और इसके साथ में एक गुड्डा भी आया है। सेठ सेठानी बोलते थे हम लोग इनको, जब हमारी खाला हमारी मिट्टी का घर बनाती थी ना हमारे नानी के घर पे, तो हम उसमें ऐसे खिलौने रखते थे। तो बचपन की याद आ गई थी, मैंने सोचा चलो हुरैन के लिए भी लेकर चलते हैं। तो ये और इसके साथ में एक और है, तो सेठ सेठानी का जोड़ा है तो इसके भी हुरैन ने ना इसको फेंक दिया था, तो इसकी मुंडी टूट गई है, वो मैंने इसको फेविक्विक से जोड़ दिया है। अभी ये देखो जोड़ भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मैंने जोड़ दिया है, अभी मैंने इसको यहाँ रख दिया, बाकी डॉल से तो हुरैन खेल रही है। तो चलिए गाइस अब मैं इन सबको रख देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, तो मैं खाने जा रही हूँ खाना। तो बस बच्चों को टॉयज दिए उनके और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं वो लोग, आगे खेल रहे हैं, मैं खा रही हूँ खाना। तो भाभी ने सेक दी यहाँ पे रोटियाँ, फैमिली रिएक्शन लेना चाहिए भाभी ने बनाई है मूंगफली की पट्टी, तो वो सबका रिएक्शन लेना चाह रही है। भैया का फ़ोन आ रहा था, हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात में तो वहाँ से आकर इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह में दिखा दूँगी अपनी जो भी शॉपिंग में करके लाई हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया कभी, लेकिन ही ज़्यादा हो रही थी हर एक दुकानों पर, और फिर जहाँ पर भी जा रहे थे सभी लोग यही कह रहे थे कि ना हमारा कलेक्शन मत दिखाओ, हमारा कलेक्शन दिखाओ, शूट मत करो, कैमरा मत उठाओ, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर वहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया ही नहीं, और एक तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मेरा मन भी नहीं किया, तो फिर बस मैंने सोचा कि चलो अब घर पे आकर दिखा दूँगी। तो चलो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो ये है इनके कपड़े, ये इनका ब्लेजर, और ये तो ये है इनका कुर्ता, दो जीन्स और अंदर क्या इनर, मतलब इनके सारे कपड़े थे। वो ये अभी मना कर रहे हैं दिखाने को, तो ये शादी में दिखाएंगे, ठीक है क्या ठीक है तो ये तो हुए इनके कपड़े, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये आप लोग जीशान की शादी में ही देखना। और जब भी मैं कैमरा उठाऊँ इस लड़की को रोना ही रोना है, अब मैं कैसे बात करूँ। ये होता है छोटे बच्चों का घर में होना,
ये हालत होती है, कैसे शूट करेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। आप सोचते हैं ना ब्लॉगिंग करना आसान बात है, नहीं है ब्लॉगिंग करना आसान बात, बिल्कुल भी नहीं है। कि हर एक काम में मेहनत होती है, पहले तो छोटे बच्चों के साथ में मैनेज करना हर एक चीज़, फिर शूट करना, फिर एडिट करना, फिर डालना, फिर आप लोगों तक पहुँचाना, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है सभी चीज़ों की। चलो खैर छोड़ो, ये सभी माओ का तो अब मैं ना होरंग के कपड़े दिखाती हूँ। पहले तो सिंपल वाले दिखाती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। एक में ये वाला सेट लेकर आई हूँ, मूलन में ही है, और एक ये सेट है। ओपन करके नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर। और एक ये उसी की तो है। तो गाइस ये हुरैन का नहीं है, ये मैं किसी और के लिए लेके आई हूँ गिफ्ट, ठीक है। और अब दिखाते हैं हुरैन की ये वाली ड्रेस। बाकी मैंने आप लोगों को दो ड्रेस और नहीं दिखाई है, अभी दिखाऊंगी मैंने एक ये ड्रेस। तो ये है हुरैन की ड्रेस जो कि जीशान मामू की शादी में पहनेंगी, ठीक है। अभी दो ड्रेस और दिखाती हूँ, ये भी गर्म नहीं है। तो एक ये है, और एक मैंने आप लोगों को ये दिखाया, और ये जीन्स और इनका एक जीन्स है, ठीक है। ये कपड़े हैं सारे हुरैन के, तो दिखा दिए। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आई क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अभी तो टाइम है, देखेंगे बाद में अगर कुछ मिलता है तो, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। मैंने फिर से एक नए ब्लॉग के साथ चल रहा था, हुरैन सो रही है मेरी बोल, मैं उसको सुना देती हूँ कि सुबह 5 बजे की उठी है।